How are you? I hope you all are well and healthy. Welcome to JS English World. JS English World में आप सभी का स्वागत है. आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 की फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया. इन दिस चैप्टर देर आर थ्री पार्ट्स. इस चैप्टर में तीन पार्ट्स हैं. एक है फर्स्ट पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा रिटन बाय लुसिया रॉड्रिक्स. सेकेंड इज कुर्ग written by Lucas Abrol and the third one is Tea from Assam written by Arup Kumar Datta. ठीक है, तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे बेकर फ्रॉम गोवा. इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा अपने राइटर के बारे में जान लेते हैं. ठीक है, लुसिया रॉड्रिक्स एक शॉर्ट बायोग्राफी है. लुसिया रॉड्रिक्स वॉज अ ग्रेट कोंकणी एसेइस्ट. कोंकणी जो गोवा का लैंग्वेज जो होता है कोंकणी. ठीक है, गोवा का लैंग्वेज क्या होता है कोंकणी. कोंकणी के एक राइटर है, राइटर थे एक्चुअली, अब वो जीवित नहीं है. ही रोट सेवरल आर्टिकल्स इन इंग्लिश एंड कोंकणी टू वेरियस पीरियोडिकल्स एंड मैगजीन. पीरियोडिकल्स जो आपके समय समय पर निकलते हैं उसके लिए वो कोंकणी भाषा में और इंग्लिश भाषा में जो है बहुत सारे आर्टिकल्स और ऐसे लिखे हैं. His various periodicals and magazines. He served as a visiting professor of folklore at many universities and also as a professor of English in Mumbai and Goa. तो बहुत जगह में उन्होंने अपना टीचिंग किया हुआ है, मुंबई में, गोवा में. His essays were posthumously published under title of Soul and Konkani Folk Tales. Posthumously का मतलब होता है उनके मरने के बाद. उनके मरने के बाद जो है बहुत सारी बुक इनकी पब्लिश्ड हुई. एक पब्लिश हुआ जिनका टाइटल था ऑफ सॉयल एंड सोल और एंड कोंकणी फोक टेल्स. सबल ह्यूमर एंड इनफॉर्मल नरेशन आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ हिज राइटिंग. सबल ह्यूमर मतलब होता है कुछ उसमें हंसी मजाक की चीज़ें होंगी. इनफॉर्मल मतलब कुछ अनौपचारिक बातें होंगी. यह सब जो है उनके राइटिंग्स का जो है मेन पार्ट था. ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे आपका फर्स्ट पार्ट जिसका टाइटल है अ बेकर फ्रॉम इंडिया. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रीडर्स को पूछे जाते हैं, जो डिस्कस होते हैं क्लासेस में. अभी तो क्लासेस हो नहीं रहे हैं लॉकडाउन में, तो हम आपसे यही पूछ लेते हैं, डिस्कस करते हैं. अगर आपको कोई कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री. जब आप हमारे कंट्री के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या आता है. हो सकता है आपके दिमाग में आएगा ताजमहल, हो सकता है आपके दिमाग में आएगा लखनऊ, पिंक सिटी जिसको कहा जाता है, और वो भी बहुत सारी चीज़ें, गेटवे ऑफ इंडिया, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी. ठीक है, व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड. कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन. इंडिया के किस हिस्से में आप रहे हैं या आप वहाँ जाकर घूमने गए हैं, क्या आप उनमें कुछ पॉपुलर टूरिस्ट जगहों का नाम बता सकते हैं. तो डेफिनेटली आप बता ही सकते होंगे, आपने बहुत सारे जगहों पर आपने घूमा है, वहाँ गए हैं, वहाँ विज़िट किया है. जैसे आप आगरा कुछ लोग गए होंगे जहाँ ताजमहल उन्होंने देखा, कुछ लोग कोलकाता गए होंगे विक्टोरिया मेमोरियल उन्होंने देखा, कुछ लोग दिल्ली गए होंगे दिल्ली जहाँ उन्होंने इंडिया गेट देखा, कुछ लोग मुंबई गए होंगे जहाँ गेटवे ऑफ इंडिया देखा. तो बहुत सारे ऐसे जो है डेस्टिनेशंस हैं. थर्ड में यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश द डच एंड द फ्रेंच द पोर्टुगीज हैव ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री. कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया सो फ्रेंच एंड पोर्टुगीज इन्फ्लुएंसेस. तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों के ऊपर 200 साल तक ब्रिटिश ने राज किया, और ब्रिटिश के अलावा भी बहुत सारे देशों का इम्पैक्ट, एक प्रभाव, एक इन्फ्लुएंस है हमारे देश के ऊपर, जैसे डच का, फ्रेंच का, पोर्टुगीज का. ठीक है, तो अगर हम हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले ये लोग करते हैं. और बताना है कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया सो फ्रेंच एंड पोर्टुगीज इन्फ्लुएंसेस. इंडिया का कौन सा हिस्सा जो है वो फ्रेंच और पोर्टुगीज से प्रभावित है.
तो ये तो जानने की चीज़ है आपको, इसके लिए थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फ्रेंच इन्फ्लुएंस का जो स्टेट है वो साउथ साउथ इंडियन स्टेट्स है। केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सारे स्टेट्स में जो है फ्रेंच इन्फ्लुएंस है। पोर्टुगीज़ के लिए आप जा सकते हैं फिर वेस्टर्न इंडिया में, गोवा में जा सकते हैं, महाराष्ट्र में जा सकते हैं। तो ये स्टोरी एक्चुअली गोवा का है, गोवा में जहाँ पोर्टुगीज़ ने काफ़ी सालों तक वहाँ राज किया। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि 1961 में पोर्टुगीज़ ने गोवा को मुक्त किया था। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं वास्को डी गामा भी एक पोर्टुगीज़ थे, जिसको हिंदी में पुर्तगाली कहा जाता था। 14 आपका कुछ 1498 में ऐसा कहा जाता है कि वो जो है भारत का खोज किए थे, वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली थे। उसके बाद और भी बहुत सारे पोर्टुगीज़ जो आने लगे, कुछ व्यापार करने के लिए आने लगे, कुछ लोगों को इंडिया का कुछ जो स्पाइसेस है, कुछ हल्दी, कुछ मसाले हैं, वो उनको पसंद था तो वो लेने के लिए आते थे। तो इस तरह से जो है आना जाना लगा रहता था। इसके आने जाने से जो है बहुत सारे पुर्तगाली यहाँ बस गए थे। और ऐसा हम कह सकते हैं कि जो ब्रेड बनाने का जो ट्रेडिशन है, ठीक है, जो लोफ्स बनाने का ट्रेडिशन है, वो एक्चुअली पुर्तगाली का ही शुरू किया हुआ है। ठीक है, वो लोग जो है यहाँ इन्वेंट किए, ऐसा उन लोगों ने शुरू किया वो ट्रेडिशन, वो आज तक जो है चल रहा है, और उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फोर्थ में है, कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी, जैसे कि हम लोगों को पता है आसाम बहुत फेमस है टी के लिए, कॉफ़ी के लिए कर्नाटका बोल सकते हैं। साउथ इंडिया का जो जगह है टी में, आप जो है ईस्टर्न इंडिया का ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आती है, याद आती है। उसके बाद हम लोग थोड़ा चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं। बेकर फ्रॉम गोवा, दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। अब पेन पोर्ट्रेट का मतलब क्या था? पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है एक डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करते हैं एक चीज़ के बारे में, उसी को मैं पेन पोर्ट्रेट कहा गया, जिसमें एक ट्रेडिशनल गोवन विलेज के बारे में बताया गया है, जो कि अभी भी हमारे सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस पर रहता है। जैसे हम लोग सब जानते हैं लोफ्स और ब्रेड क्या होता है, ठीक है, जिसको मराठी लैंग्वेज में पाव कहा जाता है, या गोवा में इसको पाव कहा जाता है। तो इसमें क्या, आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिशिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। आवर एल्डर्स, जो हमारे पुराने लोग हैं, रेमिनिशिंग नॉस्टैल्जिकली का मतलब यहाँ दिया हुआ है थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, मतलब अगर पुराने चीज़ों पुराने दिनों को याद करें, तो हमारे जो पूर्वज थे या गोवा में रहने वाले जो लोग हैं, जो पूर्वज थे, उसमें जो पुर्तगाली या पोर्टुगीज डेज को याद करते हैं, द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्ड ऑफ ब्रेड। जैसे कि मैंने पहले बताया, जो पोर्टुगीज थे उन्हीं लोगों का दिया हुआ है ये, उन्हीं लोगों ने शुरुआत किया था ब्रेड बनाने का, और वो ट्रेडिशन आज तक चल रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे देश में हैं जो दूसरे देशों के लोगों ने शुरू किया और अभी भी वो जो है चल रहा है। ठीक है, दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। कहा गया आता है कि जो खाने वाले थे लोव्स को, वो गायब हो चुके हैं, लेकिन जो बनाने वाले हैं वो अभी भी जो है मौजूद हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, हर चीज़ को बनाने का अपना एक स्टेप्स होता है, जिसमें मिक्सर्स का एक स्टेप है, मोल्डर्स जो उसको मोल्ड करते हैं, दोज हु बेक द लोव्स, जो लोव्स को बेक करते, बेक मतलब होता है सेंकते हैं उसको बड़े बड़े चूल्हों में, फर्नेसेस में। मैं आपको एक पिक्चर दिखा दे रहा हूँ किस तरह से ये फर्नेस में जो है इसको सेंकते हैं, ये देख लीजिए, ये एक वर्कर है जो बेकर का काम कर रहा है। ठीक है, और ये जो आपको पाव है जिसको ब्रेड कहा जा रहा है, ठीक है, और जो स्लाइस ब्रेड्स होता है उसको लोव्स कहा जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको, ये बड़ा कॉमन चीज़ है, सब आपको समझ में आता है। ठीक है, दोज गोल्ड दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, मतलब दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, मतलब उस समय पुराने ज़माने के जो फर्नेसेस है, जो चूल्हे हैं बड़े बड़े, वो अभी भी मौजूद हैं। हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड मतलब अभी तक वो गायब नहीं हुए हैं। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बेम्बू, थर्ड एंड जिंगल, थर्ड एंड जिंगल मतलब होता है जो आवाज़ें होती है उसको, जब वो लोग जैसे यहाँ पर एक चीज़ से लेकर ये जो है उसको
इधर उधर उलटते पलटते हैं, उसी को थर्ड एंड जिंगल कहा जाता है। जिंगल मैंने आवाज़ होता है, थर्ड का मतलब भी आवाज़ होता है, बहुत सारी आवाज़ें होती है। आज जो मॉडर्न एज है, जैसे बहुत सारे ऐसे मशीन्स जो है इन्वेंट हो चुके हैं, लेकिन गोवा में जो है अभी भी पुराने तरीके से ये ब्रेड जो है बनाया जाता है। हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, हेराल्डिंग मतलब था अनाउंसिंग, कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पे अभी भी आप सुन सकते हैं कि ब्रेड वाले जो है साइकिल में, बाइक में, अपने मोपेड में लेकर जो है ब्रेड बेचते रहते हैं। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज, हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों में इंडिया में क्या होता है कि पुश्तैनी काम काज होता है, ठीक है, हमारे दादा परदादा जो काम करते थे, अभी भी उनके जो पोते हैं, नाती पोते जो हैं, वो भी वो काम कर रहे हैं, तो एक तरह फैमिली प्रोफेशन होता है। दिस बेकर्स आर इवन टूडे नॉन एज पेडर इन गोवा, और इन बेकर्स को अभी भी जो है पेडर कहा जाता है गोवा में। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, और बचपन में जो बेकर्स होते थे वो हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, कंपेनियन हुआ करते थे, गाइड हुआ करते थे। ही यूज़ टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग डाउन एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। सुबह लोग आते थे जब वो निकलते थे बेचने के लिए, शाम को फिर आते थे जब उनका जो तो खाली हो जाता था, यानी सारा बिक जाता था। व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बेम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रेन टू मीट द एंड ग्रीट हिम, मतलब बांस पे भी लोग जो है उसको टांग कर बेचते थे। थर्ड मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को ऊपर से उठा के नीचे रखते हैं एक फोर्स के साथ, एक आवाज़ आती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग थर्ड। वाई वॉज इट लव ऑफ लोफ, नॉट एट ऑल, द लोफ्स वर बोट बाय सम पस्किन एंड बेस्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। पस्किन एंड बेस्टिन यहाँ कहा गया है मेड सर्वेंट जो है। वी वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर वी वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली, समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कुछ कुछ ब्रेड हम लोग देखते हैं कि कुछ बहुत मीठे होते हैं, मीठे ब्रेड्स होते हैं, ठीक है, ब्रेड बैंगल्स जिसको कहा गया मीठे ब्रेड्स। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झैंग झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बेम्बू स्टाफ, बांस पे लोग जो है बेम्बू पे मतलब कि सजा कर बेचते हैं, तो उसका कुछ आवाज़ आता है, उसको झेंग झेंग कहा गया है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन द ग्राउंड, ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बेम्बू। वी किड वुड बी पुश्ड असाइड विथ अ माइल्ड रिब्यूक एंड लॉफ्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और बहुत सारे बच्चे जो है वो झुंड लगा के आ जाते थे। माइल्ड रिब्यूक का मतलब होता है एक तरह का डांटना, ठीक है, हल्के से डांटना। बट वी वुड नॉट गिव अप, वी वुड क्लाइंब अ बेंच और पारापेट एंड डीप इनटू द बास्केट। समहाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोब्स, फ्रेग्रेंस मतलब सेंट होता है, खुशबू। तो जो है बेंच पे चढ़ के, पारापेट मतलब होता है कि जैसे कि कुएं के ऊपर जो एक होता है उसके ऊपर चढ़ के जो हम लोग देखते थे, झांकते थे बास्केट में क्या है और बचा है कि नहीं बचा है। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोब्स, राइटर कहते हैं कि मुझे अभी भी याद है। राइटर एक्चुअली वो गोवा के ही हैं, कोंकणी राइटर हैं, तो अपना एक्सपीरियंस वो बता रहे हैं, वो अपने बचपन की कहानी वो सुना रहे हैं। लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, बैंगल्स का मतलब होता है जो गोल गोल आपका जो लोब्स होता है, ठीक है, ये चूड़ी की तरह, इसको बोलते हैं बैंगल्स। तो बैंगल्स जो होते हैं बच्चों के लिए होता है जो मीठा लगता है, और जो लोब्स होते हैं वो बड़ों के लिए होता है जिसमें उतना शुगर वगैरह नहीं डाला हुआ होता है, ठीक है। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश और टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, उसमें हम लोग जो है जब भी ब्रेड दिखता था तब हम लोग जो है मुँह धोना वगैरह साफ करना वगैरह छोड़ जाते थे, भूल जाते थे। एंड वाई शुड वी वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। अब जो है कभी कभी लोग कहते हैं कि शेर जो है ब्रश नहीं करता है,
ठीक है, शेर कभी ब्रश नहीं करता, इस तरह की कहावतें जो है वहाँ मशहूर होती थी। गरम गरम चाय जो है पीते हैं लोग, जिससे सारी चीज़ें जो है साफ़ हो जाती है। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले चैप्टर को फिनिश कर लेते हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, मैरिज गिफ्ट जो होता है वो मीनिंगलेस होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। अब गोवा में ऐसा ट्रेडिशन था कि वहाँ जो है मैरिज गिफ्ट में अगर आप ब्रेड नहीं देते हैं, जिसको कि बोल कहा जाता था, तब वो जो है मीनिंगलेस होता था, मैंने कोई मतलब नहीं। जस्ट एज अ पार्टी और अ फिस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। और अगर पार्टी में ब्रेड नहीं है, इसका मतलब है कि वो पार्टी जो है फिर पार्टी नहीं है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। और ऐसा जो है कहा जाता था कि कितना इम्पोर्टेंस था उस समय, अभी भी है उस बेकर का, हर जगह है। जैसे हम लोग के यहाँ शादियों में जो है वो कुछ ठाकुर का इम्पोर्टेंस होता है, कुछ पंडितों का इम्पोर्टेंस होता है, मुस्लिम में आप देखें तो बहुत सारे काजी, काजी के बिना शादी नहीं होती है, निकाह नहीं होता है। तो हर एक लोग अपने जगह पर इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो यहाँ हर जगह जो है ये ब्रेड जो है एक पार्ट एंड पार्सल था, अभिन्न अंग था हर जगह। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ आर डॉटर्स एंगेजमेंट। सैंडविच वो बनाते थे, सैंडविच जो है बिना ब्रेड का बनेगा नहीं। केक्स बनाते थे। बोलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। बोलिनहास एक तरह का स्पेशल केक था जो कि फेस्टिवल्स में इम्पॉर्टेंट होता था, उसका रहना बहुत ज़रूरी होता था। दस द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। और बेकर्स का जो चूल्हा है, फर्नेस है, बहुत बड़ा चूल्हा को फर्नेस बोलते हैं, उसका होना जो है बहुत ही ज़रूरी था। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेकुलियर ड्रेस नॉन एज कबाई। उस समय जो ब्रेड सेलर होते थे वो अपने ड्रेस के कारण जाने जाते थे, एक अलग सा पेकुलियर मतलब होता है, एक अजीब तरह का ड्रेस होता था जिसको कबाई कहा जाता है। इट वॉज़ अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants। और जो राइटर बता रहे कि हम लोग बचपन में जो देखे थे उन लोगों का जो पहनते थे, वो लोग शर्ट पहनते थे, ट्राउजर्स पहनते थे जो कि फुल लेंथ से हाफ था, हाफ पैंट से थोड़ा बड़ा होगा। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नी इनवाइट्स अ कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर। और जब कभी भी कोई जो है इस तरह का ड्रेस पहन लेता था तो हम लोग जो है उसको कमेंट करते थे कि देखो पेडर आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको डिस्कस किया, आशा करते हैं आपको समझ में आया है। कुछ अगर आपको परेशानी है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।